हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लता की लाइब्रेरी। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और आसान सा सिंगल कलर का पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, इस पैटर्न को आप लेडी स्वेटर, गर्ल स्वेटर, बेबी स्वेटर और जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इस पैटर्न को कैप पे भी डाल सकते हैं। ये देखिए, बन के कुछ इस तरह से दिखेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने 20 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, प्लस 5 फंदे हमने एक्स्ट्रा डालने, यानी कि 20 के जोड़े के हिसाब से हम फंदे डालेंगे और 5 फंदे हम एक्स्ट्रा डालेंगे। अब देखिए 20 फंदे हमारे कैसे एडजस्ट होंगे पैटर्न में। ये देखिए, ये 3 फंदे, 20 फंदों में से 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे और देखिए 17 फंदों पे हमारा ये केबिल बनेगा। फिर 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे, फिर 17 फंदों पर हमारा केबिल बनेगा। और देखिए जो प्लस 5 फंदे आएंगे तो देखिए लास्ट में हमारे ये 4 फंदे आ जाते हैं और शुरू में एक फंदा। इस तरह से हमने अपने प्रोजेक्ट के फंदे अपने पैटर्न के लिए एडजस्ट कर लेने हैं और 10 नंबर की सिलाई में हमने ये पैटर्न बना लेना है। और देखिए ये बैक साइड से हमारा पैटर्न इस तरह से दिखेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब देखिए फ्रंट साइड से फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो में देखिए जो एक्स्ट्रा फंदा है इसको हमने बिना बुने उतार लेना है। फिर धागा अपनी साइड को करेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये 3 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। फिर धागा पीछे करेंगे, ये पैटर्न की फर्स्ट रो है, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये 2 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। फिर धागा पीछे करेंगे और 1 फंदा सीधा बुनेंगे। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे ये 17 फंदों पे केबिल आ गई। यहाँ से देखिए, जहाँ से ये सीधा फंदा है और यहाँ तक हमारे ये 17 फंदे हैं और प्लस ये 3 फंदे उल्टे आ गए। तो देखिए 20 फंदों पे हमारा ये पैटर्न बनने लग गया। फिर देखिए यहाँ पे धागा अपनी साइड करेंगे और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए यहाँ पे इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। इस तरह हमने फ्रंट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए बैक साइड से सेकंड रो। अब सेकंड रो में देखिए एक्स्ट्रा फंदा उतार लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और देखिए 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2 और 3। ये 3 फंदे हमने सीधे बुने, ये 3 फंदे हमारे फ्रंट साइड से उल्टे आए हैं। अब देखिए धागा अपनी साइड करेंगे और देखिए फ्रंट साइड से जो फंदे सीधे होंगे उनको हमने बैक साइड से उल्टा बुनना है और जो उल्टे फंदे होंगे उनको बैक साइड से सीधा बुनेंगे। तो देखिए 1 फंदा उल्टा बुना, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे।
फिर धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे बुन लेंगे। तो देखिए सेम प्रोसेस रिपीट करना है हमने बैक साइड से, और सेकंड रो कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो। अब थर्ड रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, फिर धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह हमने यही प्रोसेस रिपीट करना है और फ्रंट साइड से अपनी थर्ड रो कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो। फोर्थ रो में देखिए एक्स्ट्रा फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ये दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे। यही प्रोसेस रिपीट करते हुए बैक साइड से अपनी फोर्थ रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो। अब फिफ्थ रो में देखिए ये पहला फंदा उतार लेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। ये तीन फंदे उल्टे बुन लिए, फिर देखिए धागा पीछे करेंगे। अब देखिए तीसरी सिलाई की सहायता से हमने यहाँ पे पैटर्न बनाना है। तो देखिए ये चार फंदे तीसरी सिलाई में उतार लेंगे। ये देखिए ये चार फंदे उतारे और देखिए ये सिलाई हम ऐसे पीछे कर लेंगे। ये हमने पीछे किए और देखिए यहाँ पे चार फंदे पहले बुनेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, ये दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुन दिया। अब देखिए जो तीसरी सिलाई में हमारे फंदे हैं उनको हमने लेफ्ट नीडिल में डालना है। ये देखिए फिर देखिए इन फंदों को हम एक एक करके सीधा, जो सीधा फंदा होगा उसको सीधा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा अपनी साइड। अब देखिए दो फंदे उल्टे हैं तो इनको उल्टा बुनेंगे दो फंदे, ये देखिए, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा पैटर्न आ गया। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुना। फिर देखिए हमने तीसरी सिलाई लेनी है और देखिए जो ये फंदे हमारे, ये चार फंदे, एक सीधा वाला, ये देखिए दो उल्टे फंदे और एक सीधा फंदा, ये हमने तीसरी सिलाई में उतारने हैं और इनको आगे साइड रखेंगे ऐसे।
और देखिए यहाँ पे ऐसे धागा पीछे करेंगे और ये चार फंदे बुन लेंगे। जो फंदा जैसा होगा तो देखिए एक फंदा सीधा है, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर देखिए जो तीसरी सिलाई में हमारे फंदे हैं इनको हमने लेफ्ट नीडल में एक एक करके डाल देना है, ये ऐसे। फिर देखिए ये फंदे बुन लेंगे, जो सीधा फंदा होगा उसको हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे हैं इनको उल्टा ही बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए ये हमारे 17 फंदों पे यहाँ पे ये केबल बन गई। अब देखिए फिर धागा अपनी साइड करेंगे और यहाँ पे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे ये पैटर्न बनाया है ऐसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होगा। तो देखिए मैं एक बार और बता देती हूँ, तीन फंदे उल्टे बुनने हैं, ये तीन फंदे उल्टे बुने। फिर तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद देखिए चार फंदे हमने ये देखिए थर्ड सिलाई में उतार लेने, यानी कि तीसरी सिलाई में हमने ये चार फंदे उतारने हैं और देखिए ऐसे बैक साइड में इन चार फंदों को कर लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए फिर हम चार फंदे पहले बुनेंगे, जो पीछे के फंदे हैं उनको हमने पहले बुनना है। तो देखिए सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर देखिए जो हमारी ये देखिए तीसरी सिलाई में फंदे हैं इनको हमने लेफ्ट नीडल में उतार लेना है। फिर देखिए इन फंदों को एक एक करके बुन लेंगे, सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे, ये दो फंदे हमारे उल्टे हैं, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, ये देखिए, फिर धागा अपनी साइड करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर देखिए यहाँ पे तीसरी सिलाई लेंगे, ये आगे के फंदे उतार लेंगे, ये चार फंदे उतारे हमने और इनको आगे की साइड रखेंगे ऐसे, फिर धागा पीछे करेंगे और देखिए ये पीछे के चार फंदे बुन लेंगे। तो देखिए एक सीधा फंदा बुना, दो उल्टे फंदे बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर देखिए जो ये तीसरी सिलाई में फंदे हैं इनको हमने लेफ्ट नीडल में डालना है। फिर देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो देखिए ये हमारी केबल बन के तैयार हो गई। फिर देखिए धागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे और फिर धागा पीछे करेंगे और लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से सिक्स रो। अब सिक्स रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड। अब देखिए जो फंदे जैसे हैं उनको वैसे ही बुनना है। तो देखिए एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, ये दो फंदे सीधे आ गए, फिर धागा अपनी साइड। अब देखिए दो फंदे उल्टे आ जाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुन लेंगे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड। अब देखिए ये दो फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे आ जाएंगे,
फिर धागा अपनी साइड करेंगे और एक फंदा उल्टा आ जाएगा। फिर धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे आ जाएंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए बैक साइड से 6 रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 7th रो। अब 7th रो में हमारे पैटर्न ने रिपीट होना है। अब हमने अपने पैटर्न को ऐसे ही रिपीट करते जाना है और देखिए बनके कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न देखेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।